स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। कुछ मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ये कहता है नाम मत करो गुरु पार कर देगा। कुछ कबीरपंथी भी मुझ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिन सदगुरु बाचे, ये पता है मार्ग कौन सा, न योग का है न कमाई का है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं गुरु पार करेगा। साहेब वाणी में गवाही दे रहे हैं, तुम्हारे निमित्त क्या है आगे बोलूंगा, इसलिए तुम्हें वही पाठ पढ़ा रहा हूं। माँ बाप बच्चे के हित में ही काम करेंगे, चाहे वो खुद भी गलत है तभी भी हित में करते हैं। सदगुरु आए छुड़ा बनहारा, छुड़ाएगा। निश्चय मानो कहा हमारा, तुम निश्चय कहना मानो। काले जीत हंस ले जाई, पुरुष अभी चल के पाही, हे धर्मदास यकीन कर सदगुरु छुड़ाएगा। धर्मदास ने सवाल किया, करनी योग कि रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। हे गुरुदेव, बड़े बड़े आचार्य बोलते हैं कुछ कर्म कर, कर्म से ज्ञान से, कोई कहता है तीर्थों से यज्ञ से, कुछ कर तब प्राप्त होगा, योग कर साधना कर कमाई कर। मुझे ये सब करना है तो बता क्या करना है, अगर तुमने पार करना है तो सीधा सीधा बता दो। साहब ने पता है क्या जवाब दिया, जो प्रतीत यानी भरोसा होए मन तोरे, अगर तेरे अंदर विश्वास आए तो सुनो, भव को मेट शरण मोरे, मेरी शरणागत हो जा। मोह को गहे पुरुष को पहियो, मुझे पकड़कर ही परमात्मा तक जा सकोगे, ना तो वहां जाए न पहियो। वाह 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 वाह, बोला नहीं जा पाओगे, नो एंट्री। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कही, मुझे पकड़। यही तो ईसा ने कही, मुक्ति का द्वार मैं हूं। इसका मतलब है जैसे मैंने कहा ना, आकाश तत्व कैसे जाता है, मेरी प्रीचिंग में और आदमियों की प्रीचिंग में अंतर बताता हूं। ये बोला वहां प्रमाणित नहीं, मैंने कहा प्रमाणित करो, कर पाया प्रमाणित, मैंने कैसे प्रमाणित कर दिया। अभी आकाश तत्व घड़े में है, इस तरह आपके शरीर में आकाश तत्व है, लेकिन जब घड़ा फूट गया तो बाहर थोड़ी गया, ज्यों के त्यों है, लेकिन शरीर के कारण से घड़े के कारण आकाश तत्व इसमें दिख रहा है। मैं, मेरे शब्द प्रमाणित है उसमें, आप, मैं अपने शब्द तुम्हारे अंदर फीड कर देता हूं, तर्क वितर्क की सीमा से बाहर निकालकर तुम्हारा कॉन्शियंस मंजूर करेगा अंदर से, ठीक है। आज तक जितने मतमतांतर हैं, गुरुआ लोगों ने किसी को कहा तप कर, किसी को कहा योग कर, किसी को कहा साधना कर, स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी कहा है आनंद संपूर्ण जगत तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। महात्मा बुद्ध ने ये नहीं कहा मैं जगाऊंगा, कहा गया। और हमारा पता है संतत्व की धारा क्या करे, ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। अब सदगुरु पार करेगा। जब मैं ये बात बोलता हूं गुरुआ लोग ज्यादा नाराज हो जाते हैं, गुरु कैसे पार करता है, ये फार्मूला उनके पास नहीं है। ये फार्मूला सदगुरु कबीर साहब धरती पर लाए हैं। वो क्या कह रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तो न पावत पारा। मेंढक उड़ नहीं सकता, छलांग 3 इंच लगा सकता है, कोई भी दुनिया का जीव निरंजन से पार नहीं जा सकता अपनी ताकत से कभी भी, ठीक है। ये ठोस सिद्धांत है, तभी तो साहेब वाणी में कह रहे हैं गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया काल निरंजन सबको जलिया। इसलिए निकलने नहीं देगा, कितने तपसी तप कर डारे काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेउ न पाओ। दुनिया अंधी है, किसी भी ऋषि का तप कौन सी ताकत भंग कर रही है, इसका मतलब एक ताकत है जो हमें तप कर नहीं करने दे रही है। पराशर तो तप करके आया था, सम्मोहित हो गया, ये माया।
इसलिए तुम मन माया के बीच में फंसे हो, तुम्हारा जोर नहीं चलने वाला अभी, क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं है। वो प्रबल है, वो ताकतवर है, वो है मन। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही अकर्तारा, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए सदगुरु छुड़ाएगा, मोक्ष देगा। है यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। अब सुनो कैसे छुड़ाएगा। आप मोक्ष के द्वार पर कितना दूर चल चुके हो। पहला, आपका जन्म मन कर्मानुकूल है। जिस दिन गुरु नाम देता है कर्मों को क्षीण करता है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। कर्म कहाँ है? आपके अंतःकरण में। फल कैसे देते हैं? मान लो आपको कोठे से गिरना है, टांग टूटना है, आपका उस समय अंदर से विचार आएगा कोठे पर चले, आप नहीं जान पाएंगे कोठे पर क्यों गए। कोठे पर जाकर एक मिनट के लिए गफलत में होगे, नीचे गिरोगे, लत पक्की टूटनी है, कर्म दंड देगा। इसलिए वो वहां से कोई फरमान नहीं भेजता है धर्मराज, वो पूरा आपके अंदर पेन ड्राइव में सेट किया हुआ है। इतनी पेन ड्राइव में कितनी कितनी चीजें सेट की हुई है, ये सेट करके रखा हुआ है। पर जिस दिन गुरु कर्म देता है, कर्म से कोई भी न्यारा नहीं है। कर्म दत्त तारे ना टारे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन साहब, कर्म कारण गौ चराया, कर्म कारण लंकापति मारा, ये सब कर्म है। जिस दिन गुरु नाम देता है कर्म को नष्ट कर देता है। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, सभी जार के खार छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, एक चिंगारी आग की करोड़ों घास के तिनकों को भस्म करती है। इस तरह जब नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। क्या होगा आप चेक करो, नाम दान से पहले की बुद्धि और बाद की बुद्धि में क्या अंतर है, देखते हैं। सुनो, आपने सोचा आत्मा कोई बल्ब की तरह चमकती चीज होगी? नहीं, वो शुद्ध चेतना है, पंच तत्व से परे है। जिस दिन से मैंने नाम दिया, आत्मदेव को खड़ा कर दिया है, अब वो मन से फाइटिंग कर रहा है पूरी, ठीक है। अब तुम्हें इसमें आत्मा और मन समझ में आ रहा होगा। पहले जो मन कह रहा था, अब आपको आत्मनिष्ठ कर दिया, काग पलट हंसा कर दिया। ये ऐसा ही नहीं कि मानो मान, अरे मानोगे कैसे नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारी अकल है, सोच लो कैसा है। मास्टर वर्मा क्या ख्याल है, मेरी इस बात से सहमत हो क्या? अब आत्मदेव काम कर रहा है, अब मन की नहीं चल रही है। पहले कहता था दो घूंट लगा, झुम बराबर झुम शराबी। तुम्हारे माँ बाप रिश्तेदारों ने भी कहा होगा दारू नहीं पी, नहीं छोड़ पाए, हमने चुटकी में छुड़ा दिया। अब मांस खाते थे, सब चीजें गलत कर, अब नहीं कर पाओगे। वाह, काग पलट हंसा कर देना, यह है अध्यात्म शक्ति, यह है विधेय नाम, नाम विधेय कोई बढ़ पाए। तीसरा, आपको सिक्योर कर लिया, अब आपको टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र नहीं लगे। चौथा, ज्ञानी बनाया। आप कहेंगे महाराज मैं तो अनपढ़ी हूं। अरे ज्ञान का एक लक्षण है सार को अपनाना, असार को त्यागना। जिस दिन से नाम लिया है आपको पाप पुण्य ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा, कृताकृत समझ में आ रहा होगा, सही। हाँ यंग मैन क्या ख्याल है? यह है अध्यात्म शक्ति। अध्यात्म शक्ति कोई छलांग लगाना नहीं है, वो इसका मतलब पंच तत्व से परे वो ताकते हैं आपके अंदर काम कर रहे। पांचवा, आपके साथ साहिब कर दिया, वो आपसे दूरी नहीं, आत्म में परमात्म दर्श। अभी जहां आपकी आत्मा और आपका बल नहीं चलता है, वहां वो पावर आपसे मदद करता है। आपने कई बार ये जलवा देखा होगा, एक ताकत आपकी मदद किया, जिन्होंने देखा वो हाथ खड़ा करो कि एक ताकत मदद कर रही, ये झूठे हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। सुनो, पूरा काम बनता जाएगा, एक शर्त है उसको पालन करना, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, होता जाएगा। आपको क्या करना है? गुरुमुख होना है। हाँ, गुरुमुख होना बहुत बड़ा तप है। गुरुमुख क्या है? आपका मेरा रिश्ता तय हुआ नामदान के टाइम, मैंने आपको बोला सात नियम पालन करना, सत्य बोलना, तुम्हारी मवाद पिछली निकल चुकी है, अब तू पाप नहीं करना। दूसरा बोला मांस नहीं खाना, ये महापाप है। अब माई का बच्चा गुम हो, रो रो के बुरा हाल, बकरी को बच्चा प्यारा नहीं, तुम उसके बच्चे को मार रहे हो, मुर्गी को नहीं, सबको प्यारा, किसी जीव को न मारो, जीव न मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोटि सुनो तुम पुराण। मैंने तीसरा कहा नशा मत करना, मैंने सब नियम तुम्हारे भले के लिए बोले, एक भी नियम अपने मतलब का नहीं बोला। चौथा बोला परिस्त्री गमन न करना, ये चोरी है। हर इंसान घर बसा के बाल बच्चों से रहता है, जब किसी आदमी को पता चलेगा मेरी पत्नी का किससे संबंध है, तो वो उसको मारेगा, निकाल देगा, पूरी गृहस्थी बर्बाद।
तलाक वगैरह 90% इसीलिए हो रहे हैं। इन नियमों का पालन करना, हराम नहीं खाना, गलत नहीं खाना, किसी का धन गिरा हुआ मिलके खुश मत होना, सोचना आफत पीड़ा इसमें दर्द होगा, जिसका गुम हुआ दुखी होगा, नहीं उठा, अगर तूने उठाया वापस उस तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य बन जाएगा, इसलिए किसी का धन नहीं लेना, तुम इन नियमों का पालन करना। मैंने फिर बोला एक ही भक्ति करना, ये नहीं कि कभी बुआ दादी, कभी फलाना पीर, कभी घुगा पीर, कभी ढिकाना पीर, नहीं, नाम पीयू का छाड़ के करे आन का जाप, तब वो नाराज हो जाएगा, फिर नहीं काम बनेगा। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो गए खेल, एक आस विश्वास तुम्हारी पड़ा द्वार में सभी धार। और मैंने एक हितायत, बस इन्हीं संबंधों से आपका मेरा संबंध स्थापित है गुरु शिष्य का। टोणा टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र और भूत प्रेत नहीं मानना, हत्या पत्या नहीं मानना, एक नाम जपना। सबसे बड़ा अगर कवच और सुरक्षक सुरक्षित कोई इष्ट है तो गुरु है। जाका रक्षक गुरुधनी वह कर न सकत कुछ और, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, भरोसा रखना। पर यह नहीं है, अगर तुम्हें शेर खाने आ रहा है ना तो ये नहीं कहना कि कल ही मैं ही आओ बब जाओ, नहीं आने दो, जब आ जाएगा यहां तुम्हें धैर्यता चाहिए, पास आकर भी भग जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, तो एक पेट्रोलिंग जा रही थी, वहां पेट्रोलिंग करते थे गांव गांव में, मैं पेट्रोलिंग कमांडर था, मेरे साथ 12-13 लड़के थे। जब हम काफी लंबा गांव गांव घूम कर आए, उनको हौसला देना पड़ता नहीं, हॉस्टल उनको चंदा करते थे, जबरदस्ती लड़कों को ले जाते थे, तो हम लोग घूमते थे, बड़ी कठिन मेहनत करते थे। तो एक गुजराती लड़का था, उसके पैर में फुंसी छाला पड़ गया, वो नहीं चल पा रहा था और अंधेरा होने वाला था, वहाँ हॉस्टल हिट एंड रन करते। मैंने लड़कों को कहा आप जाओ, मैं इसको साथ लेके आ जाता हूँ। वहाँ बंदूक कंधे पर यूं रखते हैं, ऐसे उंगली टाइगर में होती है, और एक सेकंड में फायर करना है, टांगी हुई नहीं होती है, आर्म शोल्डर आर्म होते हैं, टक, या वहाँ हुक्म है, तो सब जो भी चलते हैं वाच करते हुए चलते, कहाँ से फायर है, जल्दी फिर उनको काउंटर करना पड़ता है। तो मेरी भी बंदूक कंधे पर थी, उसकी भी, लेकिन वो लंगड़ा कर चल रहा था धीरे धीरे, तो वो ट्रुप हमसे 2-3 किलोमीटर आगे हो गया, हमारी पोस्ट वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर थी, अकेला तो मैं छोड़ नहीं सकता था उसको। मैं कहा ठीक है। जब हमें पहाड़ के पास से चढ़ने लगे तो एक नाला था नीचे पानी का, मेरे आगे से एक शेरनी दौड़ी मेरे रास्ते के आगे से, साथ में बच्चा था, शेरनी क्या थी जबरदस्त, बस मुझसे 30 फीट दूर जाकर के वो बैठ गई मेरी तरफ निगाह कर। वो मुझे क्या बोला, छोटा बच्चा भी था, पानी पीने आई थी, उसने सोचा बाकी सैनिक चले गए तो पानी पीने आओ, वो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन अचानक बस इतनी दूरी पर जैसे एक खंभा है, शेरनी पोजीशन में बैठ गई। अब मैं, मेरी नजर उससे हटाई नहीं, जो मेरे साथ लड़का था कांप रहा था, मैं बोला वे कांप मत, मेरे पीछे छिप रहा, मैं बोला जब मुझे मार देगी तुझे थोड़ी छोड़ेगी, तो हिम्मत रख, मेरी निगाह वहीं थी, मुझे भरोसा था कुछ नहीं कर सकती। टेक्निकल बात देखी, अगर ये मुझ पर हमला करना था सीधा आना था, लड़ना नहीं चाहती है, ये कह रही है लड़ोगे तो मैं तैयार हूं। आधा घंटा हम खड़े रहे, मानेंगे? अब जब ऐसे जा रहे हैं तो उसकी दूरी और कम हो रही है, उसका फांसला और रास्ता यूं था, जब अभी 30 फीट है दूरी, तब 20 फीट हो जाती थी। अब मैं सोचा पीछे भी नहीं जाना है, आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं बोला अगर आगे जाते तो पहाड़ी था, वो तो और नजदीक हो जाती है। मैं कहा आगे चलते, डरने लगा, अच्छा ठीक है, मैं कहा डरना, वो मेरे पीछे पीछे छिपता चल रहा था, मैं चल, मैंने निगाह वहीं रखी। वहां मैंने क्या फैसला किया पता है, मैं उसे मारना नहीं था, राइफल मैं नहीं मारना था बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये फैसला किया, मैं सोचा नहीं आ सकती है, मैंने सोचा अगर आई तो 27 की 27 गोलियां इसके सीने से पार कर दूंगा। आप कहेंगे महाराज फिर तो आप हिंसक हो गए, जो मोह मारा तेह में मारा, तेह मारे मह दोष न लगे, मेरा जीवन उससे कीमती, अपनी रक्षा के लिए हिंसक नहीं बनना। तो मैं सोचा था अगर थोड़ी भी उसने मूवमेंट की हमला करने के लिए बड़ी, बस मुझे यूं करना था, ऑटोमेटिक राइफल थी उसमें 20 की 20 गोलियां टड़क से, उसको आगे नहीं आने देना था, चलते गए। पर मुझे उसको मारने का विचार नहीं था,
मैं तो सांप को नहीं मारता हूं, बिच्छू को नहीं मारता हूं, अहिंसा हमारा धर्म है, पर भाई जानवर आ जाए तो अपनी रक्षा तो करना है। उसने कुछ बस गर्दन मर, 100 गज आगे गए जियालाल की दुकान जितना दूर तो ट्रन था, वहां मैं लेटकर पोजीशन में आ गया, जमीन में लेट गया। उसने जब ये निश्चय हो गया, वो नहीं देख पा रही थी, हम देख रहे थे, उसको निश्चय हो गया, चले गए, धीरे से उठी। अब उसका बच्चा क्या कर रहा था पीछे से, कभी कभी गर्दन यूं उठा कर देखते फिर छिप जाता था। शेरनी इतनी विशाल थी, जंगल में जो शेर देखते वो तो उसमें सर्कस में वो तो गीदड़ है, सोटियां मारो डंडे मारो आम करके उनको डराया हुआ है। मुकाबला है जंगल के शेर का, कि शेर क्या है, इतनी बड़ी गर्दन इतनी तगड़ी। तो भैया हम वहां नहीं डरे, तुम नहीं घबराना, बिन वारे मेरी बैरी मरे। थोड़ा दुख आ जाता है, चले काली माई के पास, चले फलाने पीर के पास, चले गुग्गे वीर के पास, चलो बुआ दादी के पास, क्या है ये, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों फेर के खली बयाना, वो विचलित हो जाएगा फिर। इसलिए तुम्हारे लिए एक ही काम है, विश्वास और क्या, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर्फ, दूसरा क्या, सेवा सुमरण सार। कहे कबीर धर्मदास से उतरो भव जलपार। ये सेवा क्यों, 220 आश्रम में से एक भी आश्रम परम पुरुष ने सतलोक से लहराता 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 जमीन पर नहीं भेजा। ले मधु परम हंस आश्रम, सब तो बनाए आप लोगों ने, हाँ बस है सब उसका माध्यम शरीर है, इसलिए ये तन मन धन से सेवा बोली। और सुमरण, माया में नहीं उलझना, हमेशा अपनी सुरती गुरु में रखना, नहीं तो मन मैला होता जाएगा। इसलिए जब तक तन में हंस रहा है, तुम पारो फिर पक्का, इसकी गारंटी है। बोलिए सद्गुरुदेव की। वासुदेव कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मुझे 4 तरह के लोग भजते हैं, मेरा ध्यान 4 तरह के लोग करते हैं। पहला आर्त, आर्त कहते हैं पीड़ित को, दुखी को, इसलिए आरती, वो एक आरती है, आरती में प्रार्थना की गई है कि मेरी रक्षा करो, आरती का मतलब है आर्त की प्रार्थना। पहले आर्त लोग मुझे भजते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड छोटी सी है, वो कहते हैं मेरे शरीर के रोग खत्म करो। भाई रोग खत्म कर दिया, एक दिन देही खत्म हो जाएगी, तो उसकी मांग स्थाई नहीं है, क्षणिक है। दूसरा मुझे चाहते हैं, भजते हैं अर्थ को चाहने वाले, जो धन चाहते हैं, वो कहते हैं प्रभु धन धाम दे, सुख शांति मिले। वास्तविकता यह है कि उनकी मांग भी बड़ी छोटी है, जहाँ तक शरीर है वहाँ तक धन की जरूरत है, खत्म हो गया तो बात खत्म। यहाँ साहब ने एक शब्द कहा, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निजमरण है आवे को निकाज। रावण के 1 लख भूत 1.25 लख नाती, ताके घर दिया ना बाती। इसलिए ये मांग भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा, मुझे यश को चाहने वाले भजते हैं, जो चाहते हैं मुझे यश मिले, उनकी मांग भी बड़ी छोटी है। ये तो इंद्रियों का विषय है, सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बढ़ाई ईर्षा बढ़ाई, दुर्लभ तजना एह, मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोए। कहे कबीर जी, जीनी जो तजे सो जन बिरला को, जीनी है मान, माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाया। पीर पैगंबर औलिया, मान सभी को खाए, ये अहंकार है। यश मिले मुझे, दुनिया मुझे जाने माने, जिस दिन तुम्हारा शरीर खत्म हुआ तुम्हारा यश कहाँ, किस काम का है।